यूपी के अंदर चुनाव प्रचार में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अखिलेश यादव खुलकर राजा भैया के खिलाफ बोल गए हों और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो राजा भैया को नागवार गुजर रहे हैं। अब सुनिए कैसे राजा भैया ने अखिलेश यादव के उस भाषण का जवाब दिया। कल ये परसों की बात है, कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेता जी आए, कल की बात है। अच्छा, हम हो बहुत दिन से बर्दाश्त करते हैं, बड़ी ओछी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेता जी ने कहा कि सर कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है। सुनते तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है। लड़ा अब तो कहा था कुंडा कुंडी बना जाए, तो सात पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमको एक गलत फहमी दूर कह जाए, सरकार ने बनत किया है, बने दे और जो लोग ये कह रहे हैं कि रात 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमको गलत फहमी दूर कह जाए, 10 के बाद 11 आ रहा था और 11 काम इंतजार कर, 11 तारीख की प्रतीक्षा है। बस हम और चाहते हैं कि कुंडा का चुनाव बड़े शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।